तो ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी सर्दी में भी जल में खड़े हुए हैं, तो देख सकते हैं बहुत ही पवित्र त्यौहार है ये छठ मैया का। जो आ गया यूट्यूबर, तो भाई जी देखिए 24-24 घंटे पानी में रहते हैं ये फल फ्रूट गन्ने, तो भाई देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये पूरे फल फ्रूट वगैरह ला गए, इनकी पूजा पाठ करके फिर प्रसाद बांटे घर जाके 24 घंटे हुए इनको यहाँ पे, 24 घंटे जल में खड़े हुए इनको। अब सूर्य देव निकल आए हैं, सूर्य निकलने के बाद ये अपने घर जाएंगे, फिर ये प्रसाद वितरण करेंगे। तो छठ पूजा का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार है, ये दिवाली से 6 दिन बाद मनाया जाता है। तो देख सकते हैं आप लाखों लोगों की भीड़ है, ये देख सकते हैं देख सकते हैं ये देख सकते हैं सूर्य देव निकला है, ये अपने घरों में जा रहे हैं अब पूजा पाठ करके, अब प्रसाद को वितरण करेंगे अपने जान पहचान वालों को। ये देख सकते हैं मंदिर यहाँ बना हुआ है, पूजा पाठ करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों कैसे रात को यहाँ के खड़े हो जाते हैं, देखो वहाँ भजन हो रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है, ये सूर्य निकलेगा तब बाहर निकलेंगे, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं काफी लोग हैं, हजारों की भीड़ है, ये देख सकते हैं वहां लंगर भी लगा हुआ है। ये देखो दोस्तों जब लोग अपने बिस्तर में होते हैं तो ये जब लोग अपने बिस्तर में बड़े हैं तो ये पानी में बढ़ के खड़े हुए हैं, तो देख सकते हैं आप बहुत ही पवित्र त्यौहार है छठ मैया का। तो भाई देख सकते हैं मैंने टॉप भी ओढ़ रखा है, चादर भी ओढ़ रखी, लेकिन ये लोग जल में खड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं हाँ इतनी सर्दी में भी ये, देख सकते हैं आप।